जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जितनी योजनाएं चल रही है, उन सभी का मौके पे क्या स्थिति है, अधिकारी समय से दफ्तर जा रहे हैं कि नहीं, किस तरह की क्वालिटी है इनका, उसके इंस्पेक्शन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मुझे हमीदपुर और जालौन का बनाया गया है, तो पहले जालौन का करने के बाद मैं हमीदपुर आया हूँ। यहाँ पे मैंने सभी अस्पताल का, तहसील का, फिर हमने मीटिंग भी ली है सभी का। कमियाँ पाई गई है, उनके खिलाफ़ रिपोर्ट की जा रही है और जो भी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया कि वो सेंसिटिव बने, आम आदमी के कार्यों के प्रति जागरूक बने और कोशिश करें उनका कार्य जो है वो जनता के लिए हो और केवल दफ्तर में ना बैठे, मौके पे जाएं और अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाएं और उस तरह से माहौल बदले जिससे लगे लोगों को कि उनके लिए प्रशासन। सर, ये शहर के कई रोड खराब पड़ी हुई हैं, लाइटें नहीं हैं शहर पर। शहर में मैंने सभी बातें बता दी हैं, मैं अपने रिपोर्ट में शामिल करूंगा, लेकिन सफाई बड़ी अच्छी है इनका। और वो ये भी बताया कि जहाँ भी गंदगी है, कुछ नोटिस देने की ज़रूरत है और इसमें और भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इनकी सफाई व्यवस्था अच्छी है। जैसे जिला अस्पताल में एक साल से नव निर्मित लिफ्ट बंद पड़ी है, यहाँ से चालू नहीं हुई, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लाखों रुपये उसमें लग गया, और उसका सर क्या होगा? उसकी जाँच हम करा लेंगे और जो भी स्थिति बनेगी कार्रवाई की। थैंक यू। ड्राइवर का नाम है अरुण और भूसे खदान गए थे मोरंग लेने, वहाँ से भूसे खदान 3 नंबर में गए थे मोरंग लेने, वहाँ से मोरंग लेके ऊपर चढ़ के आए थे और ऊपर लेबरों से बराबर हुई थी। लेबरों से बराबर होकर के लेबरों 50 रुपये मांग रहे थे, उनको मैंने 30 रुपये दिए थे, उसके बाद छुट्टे नहीं थे। और उन्होंने बोला, दो लोग बैठे थे, उन्होंने एक लोग बोले कि जो टोकन चाहते हैं, वो बोले कि जब इनके पास पैसे नहीं है तो इनके गोली मार दो, उसने आया और गनर ने गोली मार दी। सर, एक खदान में गोली चलने का मामला है, क्या मामला है? थाना सिसोनर में बोलसी में खदान है, इसका संख्या 3। यहाँ रात्रि में 4 बजे यूपी मेरे को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को, जो ट्रक ड्राइवर है, उसको खदान के ही किसी कर्मचारी के द्वारा गोली मार दी गई है। इसी की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और वहाँ जांच किया गया तो ये पाया गया कि जो ट्रक था वो लोड होकर जब जाते हैं तो इनको ये लेबलिंग करते हैं ऊपर से, और उसी लेबलिंग की कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर की और वहाँ पे जो उपस्थित कर्मचारी थे उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गया, उसी में से जो एक गार्ड था उसके द्वारा गोली चलाई गई जिसमें इनको गोली लगी और इनकी मौके पर मौत हो गई। इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ अन्य कार्रवाई पोस्टमार्टम की और अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। और जो खदान संचालक है उनके मैनेजर और इनको करीब 8-7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जल्दी जो व्यक्ति था जो कि अभी मौके से फरार है जिसने घटना किया है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति था और कौन से असले से उसने गोली चलाई थी, इसकी जानकारी की जा रही है। अगर वो लाइसेंस से असला है तो उसको जमा कराया जाएगा, लाइसेंस नस्ती कर। ड्राइवर ने साथ नहीं पाया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम भर हुआ से आ रहे थे, हमीरपुर जा रहे हैं डेहरी। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? लगभग कितने लोग सवार थे यहाँ पे? थोड़ा कितना चल के?